नमस्कार दोस्तों, ड्राइंग ट्यूटोरियल डे 3। आज का टॉपिक हमारा है शेडिंग का। अब तक हमने देखा कि सेकंड फर्स्ट और सेकंड डे के अंदर हमने लाइंस और सर्कल की प्रैक्टिस की। आपकी जो पेंसिल है, उम्मीद करता हूँ वो फ्लो में चलना स्टार्ट कर गई होगी। जो हेजिटेशन होती है पेंसिल को धीरे धीरे चलाने की, इस अभ्यास का मोटिव वही था कि आप पेंसिल बिल्कुल खुले दिल से चलाएं, कोई हेजिटेशन ना रखें। चाहे आपकी लाइन सीधी लगे या ना लगे, सर्कल आपका करेक्ट बने या ना बने, लेकिन हेजिटेशन को दूर करना सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइंग में। तो जब हम ये दोनों ही चीज़ थोड़ी सी परफेक्ट बनाना आरंभ कर देते हैं, तो थर्ड स्टेप हमारा आता है शेडिंग का। जो अभ्यास हमें करना है वो इस प्रकार से है। ये शेडिंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ भी करना सीखना है। तो सबसे हम देख लेते हैं, सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे ये बॉक्स हमने बना रखे हैं पहले, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तरफ डार्क और दूसरी तरफ लाइट करना है। पेंसिल का दबाव है वो कम करना है। बड़ा पैच एक साथ नहीं कर सकते, तो हम छोटा छोटा करके जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर चलना है ऊपर से नीचे, प्रकार से ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है, फिर नीचे से समय केवल इसकी दबाव जो है वो कम करते चले जाना है ठीक है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की तरह भी देखेंगे हम, इस प्रकार से इस चीज को कंप्लीट करना है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, देखिएगा इस प्रकार से भी आप ठीक है, नीचे से ऊपर बस हमारी जो पेंसिल है उसके दबाव को धीरे धीरे कम करना है या धीरे धीरे ज्यादा करना है। ये इसको बिल्कुल स्मूथली हम चला रहे हैं, क्योंकि ये पेपर क्वालिटी है थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि हम केवल सिंपल नोटबुक के अंदर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको भी सिंपल में ही प्रैक्टिस करनी है, और इसी प्रकार से आपको अलग अलग आकृति बनाकर कोई भी आप लोग जैसे बना सकते हैं। बहुत सारे हम सर्कल बना लेते हैं, देखिए अभ्यास आप कर चुके हैं, आप लोग सर्कल बनाएं, नीचे डार्क डालें ठीक है। जैसे शेडिंग करते हैं ना, इस प्रकार से हम इसकी शेडिंग करते हुए चले जाएंगे ऊपर। तो ये सभी चीज़ें जो है हमें काम में आने वाली हैं। तो इस प्रकार से उसमें यहाँ पर ऊपर से हम लाइट डार्क कर देते हैं, नीचे की तरफ जो है वो लाइट करते आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। तो इस तरह से हम लगभग एक वीक तक अभ्यास करेंगे, और ये ड्राइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है शेडिंग का, करते रहें। और ये बेसिक तैयारी है, इसको छोड़ना नहीं है। आप सर्कल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, पेंसिल आप चाहें तो जिस ढंग से पकड़ सकते हैं, और अपने से थोड़ा सा पेज को दूर रखें, खुल के बैठें ठीक है। जैसे आप पेंसिल का खत थोड़ा सा बड़ा रखें, बारीक नहीं रखना है, केवल हमें अभ्यास करना है। बिल्कुल बारीक करके नहीं रखना है, बारीक पेंसिल का काम आएगा तब हम उसको बताएंगे ठीक है। इस प्रकार से हमें बिल्कुल सीधी लाइनें जो है वो लगानी है। इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं, ये तो आप रख ही रहे होंगे ठीक है। ये बॉक्स हमने बना दिए हैं,
उसके बाद इन्हीं के अंदर हम जो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इनके अंदर सर्कल ड्रॉ करते कर सकते हैं। सर्कल के बाद इसके अंदर हम शेडिंग भी कर सकते हैं। एक तरफ लाइट और डार्क कर सकते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं। तो हमें केवल अभ्यास करना है। थैंक्स वीडियो पे बने रहने के लिए, और जल्द ही मिलते हैं हम डे 4 में।